गिफ्ट खोलने का वेट करते करते तेरे बेड पे सो गई, सॉरी। अब इतनी प्यारी गलती फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी? ला, इसको सुबह खोलेंगे। हाँ, तो मैं संभाल के से अपने पास ही रख लेती हूँ ना। अच्छा सुमन, सुनना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कल जब सुबह तेरी आँख पूरी तरह से खुल जाएगी तब बात करेंगे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे, इसके लिए कमरा तैयार किया है और ये यहाँ सो रही है? चाची, ये भी तो इसी का ही कमरा है ना, सोने दीजिए। अब तुम लोग कोई बच्चे थोड़ी है जो ऐसे। हाँ, पर इतने भी बड़े कहाँ हो गए हैं चाची। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, वैसे संभाल के मैंने अपने पास ही रख दिया, नहीं तो ये रात को ही गायब कर देती। रिवर्स कर, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खींच इसको थोड़ा। हाँ, अरे चाय बड़ी अच्छी बनाई है झुमरी दी ने। अरे सनकी, मेरी चाय कहाँ रह गई? यार दो मिनट तो सब्र रख, झुमरी दीदी ला रही होंगी। आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। एक और गुड़ी, अब ये कौन है यार? तुझे क्या करना जान के? झुमरी दी, ये लेडी कौन थी? आप दोनों सुमन दीदी को तो जानते हो ना जी, ये उनकी छोटी बहन है, शायद आज ही आई है वापस। कहाँ से? बाहर वो कुछ MBA, उसकी पढ़ाई करने गई थी जी। झुमरी दी, आपको तो उस घर की सारी खबर है। नहीं नहीं, वो सब्जी जल रही है, मैं अभी आती हूँ। सुमन, सुमन उठना जल्दी, सुमन उठ। कंचा, अगर तू मुझे गिफ्ट के लिए उठा रही है ना, तो प्लीज सोने दे। श्रवण के लिए उठाया है, तुझे पता था वो यहाँ आया हुआ है। एक काम कर, तू जल्दी से नीचे आ। मतलब पता था तुझे, पर ये नहीं पता होगा कि उसके साथ दो और लड़के आर्मी यूनिफॉर्म में दोस्त होंगे, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के। व्हाट? कैप्टन श्रवण मल्होत्रा, मतलब श्रवण आर्मी में। बाकी सब कुछ बहुत बदल गया है। केस के लिए वापस आया और आते ही चोट लग गई, और पता है हॉस्पिटल कमांडेंट ने उसे किस डॉक्टर को असाइन किया? वे, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे पहले रिएक्ट करूं, ये कि श्रवण आर्मी में, तू उसकी डॉक्टर है। छोड़ ना, एक्सक्यूज मी, उसके प्यार के लिए मैंने जो खतरे मोल लिए उसका क्या? सपोर्ट किया तुम दोनों को, भगाया, सब भूल गया वो,
एहसान फरामोश कहे का, उसकी वजह से मुझे घर से दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जो डांट पड़ी वो अलग। I'm sorry सुमन, क्या करती मैं, सुबह सुबह उसे देखकर सब कुछ याद आ गया और फिर वो गुस्सा। तेरी गलती नहीं है कंचा, पास्ट कहां आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ता है। तू ना बस इग्नोर कर उसे, एक बार केस का वर्डिक्ट आ जाए तो पीछा छूटेगा उससे। अच्छा खैर एक बात बता, श्रवण को तेरे और विक्रम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं, और उसे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा देख जो भी है, तू एक बात का ध्यान रखना, विक्रम के साथ कभी कुछ गलत मत करना। बचपन में मैं बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूँ कंचा, श्रवण मेरा पास्ट है और विक्रम वो मेरा प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे मेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। गुड, इसीलिए अब हमें मतलब है सिर्फ इससे। खोलना, तू नहीं खुलेगी तो मैं खोलूं। ओह माय गॉड, की एक्साइटमेंट, क्या होगा इसमें, मुझे पसंद आएगा या नहीं, जल्दी खोला, खोल क्यों नहीं रहा, तुझे खोलना है। माय गॉड, सो प्रिटी साड़ी, पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ। एनीवे मुझे कैंट के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया, अरे वकील साहब ऐसे शर्मा शर्मी पता नहीं कितने लोगों को गलत बदले गिफ्ट मिले होंगे, उससे अच्छा है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करिए और बताइए कि आपको घड़ी चाहिए या लैपटॉप या फिर वीडियो गेम कैसा रहेगा। अरे बस बस, वीडियो गेम नहीं, देखो तुम्हें जो भी ठीक लगे ले लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता वकील साहब, कुछ तो बताइए जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, तो हमसे बेहतर आपको पता है, और वैसे भी सबसे कीमती तोहफा तो आप हमें पहले ही दे चुके हैं। अच्छा ऐसा क्या दे दिया मैंने आपको? तुम्हारी दोस्ती। देखो तुम जो भी लोगे ना मुझे पसंद ही आएगा, नहीं भी लोगे वो भी पसंद आएगा, गले लग के बधाई ले लेंगे। भैया क्या सही बंदा है यार, इसको भी पढ़ाओ ना हमारी शाम की महफिल में, है हम भी थोड़ा मिल लेंगे। ठीक। अरे वकील साहब गिफ्ट तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। अगर फ्री है तो मेरे घर आ जाइए, अपने दोस्त से मिलवाता हूँ आपको। देखो तुम्हारे दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन आई एम रियली सॉरी, वो क्या है कि आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। मतलब कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कैंसल इट, ट्रस्ट मी, पर उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपके और आपकी खास दोस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं आ सकते, उससे अच्छा तो हम फिर कभी प्लान करते हैं। या श्योर डेफिनेटली, तो मैं आपको फोन करता हूँ वकील साहब, बाय। आप बंटी वो जो हमने घड़ी देखी थी ना वही उठा कर, तो मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है भाई। दीदी दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंबी बात तो नहीं है? नहीं नहीं लंबी नहीं है, छोटी सी बात है। जो हमारे घर के सामने कैप्टन श्रवण रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड है वीर, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। पर दीदू हमें तो स्कूल में यही बताते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं जिनके साथ हम रहते हैं वो तो हमारे फ्रेंड ही हुए ना। वीर तुम्हें अपना सवाल पूछना है कि मैं चलूं? दीदी 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 अच्छा ये देखो, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छी उन्हें कौन सी लगेगी? मुझे नहीं पता, और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनमें से एक मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ, और फिर तो उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? मुझे भोपाल घुमाने का, पता है उन्हें बेस्ट प्लेसेस पता है भोपाल में घूमने की, इतनी तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। वीर तुम प्लीज अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगाओ, ओके? मेरी स्वीट दीदू प्लीज बताओ ना, बस एक बार देख लो बाइक। ये मुझे पता था, थैंक यू। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है, और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सेक्रीफाइस कैसा?
हे चैंप यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़ ये तक कैसा है? आपसे बहुत नाराज, सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने, आप तो कभी नहीं आते। यार वीर वो मैं, तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से, झुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। सॉरी यार। अच्छा एक बात बता, हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात। और सुन अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा, आगे से कोई भी काम हो कोई भी बात करनी हो सीधा मुझे फोन करेगा, ठीक है? पर काम तो मुझे अभी है, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ, हम लोग वहां पे ना। यार वीर आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज ना मुझे। प्लीज भैया। वीर तू ना मेरी बात समझ, भैया के कंधे में चोट लगी, उन्हें दर्द है। ओए ऐसे मत कर, मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए, सिर्फ आप ही हो भोपाल में, और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते है ना? मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला, जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी, हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है। चल ठीक है मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा। क्या? ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है, पहले उसे बुलाओ फिर साथ में चलूंगा। हाँ, you know what? चला आजा चलते हैं। चलो। वैसे तो इतना लेट कैसे हो गए? काम खत्म ही नहीं होता। चल कोई नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है, और चिंता मत कर मैं हूं ना। कंचा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा, गलत कर रही थी तू, मैं करती हूँ। अरे ये नहीं, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। कंचा तूने? हाँ मैंने उसे यही बुला लिया है, उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना, सोचना कितना खुश होगा वो। और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले। हाँ कंचा उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा, मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ। हाय मेरी बहना, हमेशा साड़ी पहनना, इतनी सुंदर लग रही है तू। एक सेकेंड, किसी की नजर ना लोगे तुझे। तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचा। पागल मैं नहीं, पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर, सोचेगा बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने। एक सेकेंड, अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा? ओहो कुछ अजीब नहीं लग रहा, और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा। हाँ ऐसे जिंदगी भी एक जंग ही है, पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अब यहाँ बैठ बैठ। अब आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सरप्राइज है। चल चलो आंखें बंद रखना। अच्छा चल नीचे चलते हैं। तू जा मैं सब बाइंड अप करके आती हूँ, और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ एक सेकंड में। अब सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.